बैयर तहसील मुख्यालय में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बैयर बस स्टैंड के द्वारा शारदीय नवरात्र पर्व में गांव से लेकर पड़ोसी राज्य महानगरों से प्रसिद्ध देवी देवताओं के स्वरूपों की 251 प्रतिमाएं स्थापित कर आराधना की जा रही है। एक ही पंडाल में इतनी सारी प्रतिमाएं रखी होने से सुबह शाम दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। पंडाल में अनेक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और यह नवरात्र पर मेला जैसा व्यापक वातावरण दिखाई देता है। प्रतिमाओं का निर्माण बालोद छत्तीसगढ़ के कारीगरों के द्वारा बैयर में आकर 3 माह में किया गया है। शारदीय नवरात्र पर्व के दौरान जिले के बैयर तहसील में एक साथ इतनी प्रतिमाएं रखने का रिकॉर्ड बैयर के नाम दर्ज किया गया है। सार्वजनिक दुर्गोत्सव बैयर बस स्टैंड के पदाधिकारी ने समाचार पत्र में नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्र पर्व में बस स्टैंड में माता रानी की एक प्रतिमा स्थापित की गई और गांव, शहर व देश के महानगरों से प्रसिद्ध देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की यहां प्रतिमाएं भी रखी हुई। इसके अलावा अनेक तरह की झांकियां भी हैं। बैयर में 251 प्रतिमाओं को रखने की जानकारी जिस किसी भी भक्त को मिलती है, वे बच्चे, परिवार, गाँव के सभी भक्तगण दर्शन करने के लिए यहाँ अपने आप को रोक नहीं पाते। इसके चलते नवरात्र के दिन में ही रोजाना उत्कर्ष विद्यालय मैदान में भारी संख्या में मां के भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। यहां पर शाम से रात तक यह नज़ारा देखते ही बनता है। देवी देवताओं की 244 प्रतिमाएं बालोद छत्तीसगढ़ राज्य के 13 कारीगरों के द्वारा निर्माण बैयर मुख्यालय में 3 माह में किया गया और 7 प्रतिमाएँ सागर जिले से लाई गई है। नवरात्र के पूरे 9 दिनों पूजा अर्चना करने और रोज शाम सुबह आरती संपन्न होती है। बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, प्रांगण में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारा दिन के 12 बजे से 4 बजे तक चलते रहता है। सुबह शाम आरती संपन्न करवाने बनारस से पंडित 11 पंडितों को बुलवाया गया है। वहीं बैयर से पंडित निरंजन शर्मा सहित अन्य पंडित भी शामिल है। रोजाना रात 8:30 बजे संगीत 12 स्वर में गंगा आरती यानी महाआरती संपन्न की जाती है। इसके अलावा सत्य चंडी यज्ञ का आयोजन होता है, इसमें अनेक भक्तगण महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं हर 3 दिन में महिलाओं के द्वारा सुहागन पूजन भी किया जाता है। यहाँ के कारीगरों ने प्रवेश द्वार को भी साज सज्जा व्यापक बनाया है। बस स्टैंड समेत उत्कर्ष मैदान में पंडाल से साज सज्जा करने में कोलकाता से 25 कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया है। रंग बिरंगी लाइटिंग की सज्जा जबलपुर के 20 कारीगरों के द्वारा किया गया है। इन देवी देवताओं की रखी गई प्रतिमाएं बस स्टैंड के दरबार में एक माँ दुर्गा जी की प्रतिमा रखी गई है और उत्कर्ष विद्यालय मैदान में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सती, महाकाली, माँ सिंहवाहिनी, सिंहारपाट, बैयर, हनुमान जी, माँ यमीरूपिणी, माँ पद्मावती, माँ मरही जी, बिलासपुर, माँ जानूबाई, माँ घेड़सी, माँ नाथलदाई, जांजगीर चापा, माँ भवप्रीता, माँ सुनराही, माँ मुंगई बावनकेरा, बैयर की रानी माँ, माँ कालीपाट बालाघाट, माँ बड़ी खैर माता जी बैयर, माँ शाकंभरी माता, माँ सावित्री, माँ विश्वेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ सदबेनी बमनी बंजर, माँ छिन्न मस्तिका, माँ कुस्कन, इसी तरह अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। उपरोक्त सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति बस स्टैंड 18 वर्षों से यह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 45 नवयुवकों का उत्साही सांस्कृतिक दल है। नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनी
शतखंड।